अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू तरन्नुम्स किचन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे चिकन मलाई टिक्का। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। इसमें मैंने 7 से 8 हरी मिर्च, 12 से 15 लहसुन की कलियाँ और एक छोटा टुकड़ा अदरक, और इसमें हम थोड़ी सी कोथमीर ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। एकदम थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरह से इसे थिक पेस्ट बनाना है। और अब हम इस एक बाउल में वो पेस्ट को एक ही चम्मच हम डालेंगे। फिर उसमें हम बोनलेस चिकन जो है, ये देखिए, इसमें हम पूरा पानी ऐड कर देंगे पूरे बाउल में। और एक 1.25 किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह के टुकड़े कट किए क्यूब्स में, इसे ऐड करके कम से कम 1.5 से 1 घंटा हम इसे मैरिनेट होने देंगे कि जो है उसका फ्लेवर आ जाए। ये देखिए अब मैंने इसे स्ट्रेन कर ली जब तक इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। ये 1 चम्मच मैंने चाट मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 लेमन। और वो जो हमारा पेस्ट था वो उतना है। ये दही और कॉर्नफ्लावर और क्रीम, अब इसमें मैं ये 2 बड़े चम्मच जो है हमारा पेस्ट ऐड कर दूंगी। अब इसमें हम 2 चम्मच हम दही ऐड कर देंगे, योगर्ट, और 3 चम्मच हम फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे, और हम 2 चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें अब हम जो मसाले हमने पाउडर्स निकाल के रखे थे वो सारे ऐड करके, ये देखिए, इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे। इसके बाद हम गार्लिक सॉस की तैयारी कर लेते हैं। देखिए ये मैंने मेयोनीस ले लिया, ये हेलमेंस का मेयोनीस है। ये देखिए ये 3 बड़े चम्मच है मेयोनीस, और अब इसमें मैं अमूल की फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी, ये भी मैं 3 बड़े चम्मच ऐड करूँगी, 3 से 4। और थोड़ी सी ये देखिए काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, और 4 से 5 बस लहसुन की कलियाँ, और 1 चम्मच दही का ऐड कर दूँगी। और अब इसका मैं ये देखिए सब पेस्ट ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर में। इसमें अब हम चाट मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने अच्छा 1 से 1 चम्मच चाट मसाला ऐड किया है, और थोड़ा काली मिर्च पाउडर भी ऐड किया। ऐसे मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। अब हम इसे स्टिक में डालते जाएंगे हमारे क्यूब्स को। देखिए माशाल्लाह से ये अच्छा हमारा मैरिनेट हो चुका है चिकन। अब मैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लूँगी और इसे अब हम शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए इसे हम ढककर 5 मिनट इस तरफ से पकाएंगे एक तरफ से, फिर हम पलट कर 5 मिनट दूसरी तरफ से पकाएंगे कि जो है हमारा चिकन अच्छे से चारों तरफ से पक जाए, अच्छा उसमें जूसी टेंडरनेस आए। ये देखिए माशाल्लाह से ऐसा ब्राउन कलर, गोल्डन कलर आ चुका है, देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अब हम देखिए स्मोक के लिए एक चारकोल कोयले को हम रख देंगे, और इसमें मैंने 1 चम्मच तेल ऐड करके इसे ढक दी 10 मिनट के लिए कि जो है उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए मलाई टिक्का में, हमारे चिकन मलाई टिक्का में। ये देखिए अब मैं इसे हटा दूँगी और अब हमारा चिकन मलाई टिक्का तैयार है। आप कोई भी सॉस, ये इस सॉस या इस चटनी के साथ खा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में बताएं। अल्लाह हाफिज़।